इसमें क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ये तो साफ क्लियर है कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें इसने साफ साफ कहा है कि एग्जैक्टली वन एस होना चाहिए, पांच कार्ड है टोटल, फाइव कार्ड्स के अंदर वन एस होना चाहिए, तो बचे हुए जो फोर कार्ड्स होंगे वो नॉन एस होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, वी हैव टू सेलेक्ट, टू सेलेक्ट वन एस आउट ऑफ फोर एसिस आर अवेलेबल, आउट ऑफ फोर एस एंड नॉन एस कार्ड कितने होंगे हमारे पास, 48 होंगे, एंड दैट मींस फोर नॉन एस आउट ऑफ 48 नॉन एसेस, ये आपको कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है। तो जो टोटल वेज होंगे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे या रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, आप सीधा आंसर लिखिए रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, आपको फोर कार्ड में से वन ए सेलेक्ट करना है एंड 48 कार्ड में से फोर नॉन ए सेलेक्ट करना है, तो ये आपका बनेगा आंसर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बनेगा 4 factorial upon 4 minus 1 3 factorial into 1 factorial multiplied 48 factorial 48 minus 4 44 factorial into 4 factorial। तो ये तो बड़ा आसान है क्योंकि 3 factorial तो खाली 4 ही रह जाएगा, into 48 को 45 तक लिखिए और 44 factorial काट दें, तो 48 into 47 into 46 into 45, 44 factorial कट गया और नीचे आपका बच गया 4 into 3 into 2 into 1। तो मैक्सिमम कट करने की कोशिश करनी चाहिए, 4 3 12 12 2 24, तो 24 ये मेरे को दिखाई दे रहा है, 24 2 48 होता है ना, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए क्या बचा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, देखते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 778320, दैट मींस 7,78,320 कॉम्बिनेशन यू कैन मेक, सो इट इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है।